पहले दर्शकों को दे दे कि उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो ये बड़ी अपडेट है। 6 सीटों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए, अभी रायबरेली और गाजियाबाद का जिक्र हम लोगों ने किया, यहाँ पर 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये एक बड़ी अपडेट है भारत समाचार पर। 26 सीटों पर वहीं बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है। क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार विश्लेषण करना भी काफी कठिन है, क्योंकि वोटर्स की भूमिका बड़ी साइलेंट है। 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जहां आपने देखा कि कांग्रेस शून्य नजर आई पिछले चुनावों में। गोंडा से समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा आगे चल रही है, ये भी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि बहुत कांटे का मुकाबला, और इस पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं नवलकांत सिन्हा जी का। नवलकांत सिन्हा जी, देखिए ये बहुत कांटे का मुकाबला, इसको किस तरीके से आप विश्लेषित करना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त फाइट दिख रही है अभी तो। देखिए, अभी तो जो रुझान आ रहा है वो अभी शुरुआती है, तो उसमें समय लगेगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसको भी हम लोग को अपडेट करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें 126 सीटें, कांग्रेस 45, और समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की बात है कि जो इसमें तीसरी पार्टी दिख रही है समाजवादी पार्टी, जो है 28 सीटों पे है, 26 सीटों पे, और तेलुगु देशम